बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनक। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी की वजह से किसी भी प्रकार के फिजिकल आयोजन पर रोक लगी हुई है, इसलिए आज का ये हमारा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम वर्चुअली रूप से मनाया जा रहा है और इस थीम का हमने नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ विगत 3 वर्षों से सामाजिक संस्थाओं की सहायता में सभी रूपों से तत्पर है, अग्रसर है, और पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने हर संभव प्रयास के माध्यम से सभी संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको एक्टिव रखने के लिए प्रेरित किया। डॉक्यूमेंटेशंस और अन्य सहायताएं भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जहां तक संभव कर सकता था वहां तक संस्थाओं को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम वर्चुअल रूप से जिसे आयोजित किया गया है, उसमें आप जानते हैं कि हमारी संबद्ध सामाजिक संस्थाओं का देश भर के नागरिकों के लिए क्या संदेश है। परम सम्मान्य नागरिकगण एवं मित्रगण, वंदे मातरम। खुशहाली सेवा संस्थान खरगोन की अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं डॉक्टर श्वेता चौधरी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक संदेश देना चाहती हूं कि हम सब की महत्वाकांक्षा है कि एक नव निर्मित राष्ट्र का निर्माण हो, लेकिन उसमें आप सबसे एक अनुरोध ये भी है कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, हमें छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करने में राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है अपितु मेरी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नव निर्मित राष्ट्र का निर्माण करें। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहूँगी कि राष्ट्र निर्माण के लिए ज़रूरी है कि जो भी कमियां हैं उसमें और जहां पर भी हमको लग रहा है कि उसे किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, तो वो सारे प्रयास हमें करने होंगे। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जितने भी समाजसेवी हैं और अनेकों संस्थाएं हैं इससे जुड़ी हुई हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ भी एक मिसाल है और उदाहरण है हमारे राष्ट्र निर्माण का, क्योंकि महासंघ द्वारा काफ़ी संस्थाओं को जोड़ा गया है और उनको बहुत सारे अनगिनत लाभ मिल रहे हैं। तो इस मिसाल के साथ साथ मैं एक संदेश आप सभी को 2 लाइनों में प्रेषित करती हूँ। मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में
पाला है, तो देश सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, फहराना हमेशा इसको ऊंचा जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। इसी संदेश के साथ और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार मिश्रा है और मैं विंध्य भारती संस्थान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। साथियों, सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पूरे देश में की संस्थाओं को लेकर चलने का एक मंच है, एक बड़ा नेटवर्क है। देश भर की संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं और पहली बार ये देखने को मिला है कि एक संस्था, एक संगठन जो संस्थाओं के हित में कार्य कर रहा है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, इस महायज्ञ में समर्पित भाव से जो काम कर रहे हैं, वो उसका श्रेय जाता है एसके यादव जी को, जिन्होंने सुदूरवर्ती राज्यों में भी अपने संगठन की इकाई को खड़ा किया है और उन तक अपनी सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो एनजीओ महासंघ का जो संगठन है, वह एक सशक्त मजबूत कड़ी बनकर उभरा है। बाकी की संस्थाओं और संगठनों की अपेक्षा एनजीओ महासंघ में बहुत सारी जो जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, नई नवीन विज्ञापन उनको बताए जा रहे हैं, एनजीओ के बारे में जो उनकी प्रोग्रेसिव, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, कैसे उनको विभिन्न तरह के रजिस्ट्रेशन करने हैं, इस बारे में भी उनको सही जानकारी दी जा रही है। तो मैं देश भर की संस्थाओं से ये अनुरोध करूँगा कि वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्यता ग्रहण करें और राष्ट्रीय, अगर वो संस्था की गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, अगर वो संस्था के लिए कुछ करना चाहते हैं और देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके लिए एक मंच है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपके सपनों को पूरा करना। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर समाज की स्थापना करना चाहते हैं, अपने समाज में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एक यह इससे बेहतर कोई दूसरा मंच नहीं है जहाँ आपको निःशुल्क विभिन्न तरह की सलाह और मशवरे दिए जा रहे हैं जिनका लाभ सभी संस्थाओं को निरंतर मिलता जा रहा है। आने वाले समय में संस्थाओं के इस बड़े नेटवर्क को और बड़ा बनाना है देश भर के उन स्थानों पे जहाँ पर भी अभी छोटी संस्थाओं को एनजीओ नेटवर्क, एनजीओ महासंघ से भी जोड़ा नहीं जा सका है, उन तक भी जाने की इस योजना है, उन सबको भी साथ में लेके चलने की योजना है, ताकि हम एक आज के दिन एक संकल्प लेंगे कि यह जो टारगेट है 26 जनवरी से आने वाले 26 जनवरी तक, यानी एक साल तक हम देश। मैं कृष्ण कुमार खरब, न्यू शिव शक्ति शिक्षण समिति की ओर से आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा, आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके जीवन में यह मुकाम आता है। खुद नसीब होते हैं वे लोग जिनका खून देश के काम आता है। जय हिंद जय भारत। सेल्फ खुशीराम सिंह, जनकल्याण वेलफेयर ट्रस्ट से राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से समृद्ध हुई है और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी संस्था को इस काबिल समझा कि अपने में समृद्ध किया। हमारी संस्था 2018 से समाज की
देश की सेवा कर रही है, छोटे छोटे प्रयास हमारी संस्था करती आ रही है। आज का कार्यक्रम हमारा ये मास्क वितरण का है, जो अभी हमने परचेज करे हैं और काशीपुर सिटी के अंदर हम इस समय हैं। अभी कुछ देर में जाकर हम उनको मास्क वितरण करेंगे। जिन भी साथियों के पास मास्क नहीं है, हम उनको मास्क वितरण करेंगे। और 26 जनवरी 2022 को हमारा विशेष टारगेट है कि हम देश हित के लिए जो भी व्यक्ति हमें ऐसा महसूस होता है जिसके पास मास्क नहीं है, हम उसको मास्क वितरण करेंगे और देश की सेवा करेंगे। आज़ादी का जश्न हम इस हिसाब से मनाएंगे ताकि हमारे आने वाले बच्चे किसी भी नेट में ना फंसे और वो आज़ाद रहें। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ मैं, जिन्होंने हमारे संस्था को अपनी संस्था में समृद्ध किया, और जो उनके पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और उनका मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा है। हम उनकी मीटिंग भी सुनते हैं, उनके प्रोग्राम भी देखते हैं और बहुत अच्छी जानकारी उनसे मिलती है। आज के लिए सर जी बस इतना ही, आगे की फिर वीडियो में फिर पुनः मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद मित्रों, मैं राजपूत कल्याण सेवा समिति का कोषाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के समस्त पदाधिकारियों और उनसे जुड़ी समस्त संस्थाओं को और समस्त भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस के अमृत महोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज समाज में हम सभी भले ही भिन्न भिन्न विचारधारा को समर्थन करते हैं, परंतु हम सभी का लक्ष्य समाज को एक नई ऊर्जा व नवीन चेतना शक्ति द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन से वर्तमान में हमारे देश के ऐसे कई वर्ग हैं जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि व परहित को बढ़ावा देने के लिए अपना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में एक स्वावलंबी राष्ट्र की नींव मजबूत हो रही है। पूर्वजों के विरासत धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो रहे हैं। मैं ज़्यादा अपनी बात को ना कहते हुए केवल ये कहता हूँ, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। मैं शिवम पाठक, ग्रेस ऑफ ग्लोरी मिनिस्ट्री ट्रस्ट का संस्थापक, और ये संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध है, और सभी को मैं विशेष तौर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ कि फिर से एक बार एक साल में हम सभी जन इस गणतंत्र दिवस को बड़ी आनंद के साथ मनाने जा रहे हैं। और मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा योगदान एनजीओ को दिया है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ हर एक छोटे स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली एनजीओ को साथ में लेकर एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने एनजीओ को बड़ा अपना एक भागीदारी और बड़ा एक योगदान दिया है। इसलिए मैं अपनी संस्था की ओर से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और भी अनेक जगह पर से, अनेक छोटे छोटे शहरों में से छोटी छोटी संस्थाओं को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना, ये राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ बड़ा एक काम कर रहा है। और
मैं मेरी संस्था की ओर से इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं शुभेच्छा देना चाहता हूं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को, और हम मिलकर सच में एक बड़ा काम, एक छोटे स्तर पर हम बड़ा काम मिलकर करेंगे और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हम चाह रहे हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं शुभेच्छा। थैंक यू सो मच। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनक। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी की वजह से किसी भी प्रकार के फिजिकल आयोजन पर रोक लगी हुई है, इसलिए आज का ये हमारा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम वर्चुअली रूप से मनाया जा रहा है, और इस थीम का हमने नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ विगत 3 वर्षों से सामाजिक संस्थाओं की सहायता में सभी रूपों से तत्पर है, अग्रसर है, और पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने हर संभव प्रयास के माध्यम से सभी संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको एक्टिव रखने के लिए प्रेरित किया। डॉक्यूमेंटेशंस और अन्य सहायताएं भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जहां तक संभव कर सकता था वहां तक संस्थाओं को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम वर्चुअल रूप से जिसे आयोजित किया गया है, उसमें आप जानते हैं कि हमारी संबद्ध सामाजिक संस्थाओं का देश भर के नागरिकों के लिए क्या संदेश है। एक सूत्र में गणतंत्र दिवस के अमृत महोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज समाज में हम सभी भले ही भिन्न भिन्न विचारधारा को समर्थन करते हैं, परंतु हम सभी का लक्ष्य समाज को एक नई ऊर्जा व नवीन चेतना शक्ति द्वारा राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन से वर्तमान में हमारे देश के ऐसे कई वर्ग हैं जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि व परहित को बढ़ावा देने के लिए अपना मानसिक शारीरिक आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में एक स्वावलंबी राष्ट्र की नींव मजबूत हो रही है। पूर्वजों के विरासत धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो रहे हैं। मैं ज़्यादा अपनी बात को ना कहते हुए केवल ये कहता हूँ, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत। मैं शिवम पाठक, ग्रेस ऑफ ग्लोरी मिनिस्ट्री ट्रस्ट का संस्थापक, और ये संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध है, और सभी को मैं विशेष तौर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छा देता हूं कि फिर से एक बार एक साल में हम सभी जन इस गणतंत्र दिवस को बड़ी आनंद के साथ मनाने जा रहे हैं।
और मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा योगदान एनजीओ को दिया है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ हर एक छोटे स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली एनजीओ को साथ में लेकर एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने एनजीओ को बड़ा अपना एक भागीदारी और बड़ा एक योगदान दिया है। इसलिए मैं अपनी संस्था की ओर से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और भी अनेक जगह पर से अनेक छोटे छोटे शहरों में से छोटी छोटी संस्थाओं को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना, ये राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ बड़ा एक काम कर रहा है। और मैं मेरी संस्था की ओर से इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं शुभेच्छा देना चाहता हूँ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को, और हम मिलकर सच में एक बड़ा काम, एक छोटे स्तर पर हम बड़ा काम मिलकर करेंगे और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हम जा रहे हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं शुभेच्छा। थैंक यू सो मच। मैं कलीम खोटेपाड़ के सामाजिक संस्था लोहारा महाराष्ट्र संबंध राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। उसी के साथ साथ आज बालिका दिन है, बालिका दिन के अवसर पे उन सभी बालिकाओं को जिनके कर कमलों से आने वाले भविष्य में देश का उज्जवल भवितव्य जिनके हाथों में, उन्हें भी बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से देश के सारे बहुत सारे एनजीओ जुड़ करके एक अपना प्लेटफॉर्म बना करके काम करने जा रहे हैं, जो कि एक इतिहास में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखने जाने वाली बात है। इसी के साथ मैं मेरे दो शब्द समाप्त कर देता हूँ। फिर से सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। परम आदरणीय नागरिकगण एवं मित्रगण, वंदे मातरम। माता मुंगेश्वरी सेवा संस्था जहानाबाद बिहार के संरक्षक मैं आशुतोष कुमार आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि हम सबकी महत्वाकांक्षा है कि एक नव निर्मित राष्ट्र का निर्माण हो, लेकिन उसमें आप सबसे अनुरोध यह है कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, हमें छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण करने में राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है अपितु मेरी आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नवनिर्मित राष्ट्र का निर्माण करें। और इसके साथ साथ यह भी बताना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है कि जो भी कमी है उसमें जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि उसे किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, तो वो सारे प्रयास हमें करने होंगे। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ हम लोगों को कदम से कदम मिलकर काम करना चाहिए। जितने भी समाजसेवी हैं और अनेकों संस्थाएं हैं इससे जुड़ी हुई हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ भी एक मिसाल है और उदाहरण है कि हमारे राष्ट्र निर्माण का, क्योंकि महासंघ द्वारा काफी संस्थाओं को जोड़ा गया है और उनको बहुत सारे अनगिनत लाभ मिल रहे हैं। तो इस मिसाल के साथ साथ मैं एक संदेश आप सभी को देना चाहता हूँ
जो है खून से लिखी कहानी में है भारत के इतिहास की। ये मेरी नहीं, खुद भारत माता की जुबानी है। मेरी तो छोड़ ही दो, भारत की आजादी के पीछे न जाने कितनों की कुर्बानी है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मित्रों, मैं हरिओम राजपूत, राजपूत कल्याण सेवा समिति का अध्यक्ष एवं संस्थापक, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ साथ समस्त भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मार्गदर्शन द्वारा भारत देश में नवीन चेतना व प्रेरणा देने का प्रयास कर रही है, जिससे समाज के उन समस्त असहाय वर्गों को समाज के साथ चलने की व परिवर्तन की प्रेरणा मिल रही है। आज गणतंत्र दिवस के इस पर्व पर हम सभी ये प्रण लें कि जिस प्रकार एक बालक का लालन पालन, शिक्षण व उसके सामर्थ्य का नवीनीकरण उसके माता पिता और गुरुजनों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी समस्त संस्थाएं समाज को वैचारिक भिन्नताओं से परे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग व प्रेरित करें। हमारे समाज में उपस्थित समस्त वर्गों के लिए, युवा साथियों, वृद्धजनों, मातृशक्ति, नारी शक्ति को जागृत व उनमें नवीन संचार प्रणाली का समावेश करने में सहयोग प्रदान करें, जिससे वे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सकें, जिसके द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ियों में पराधीनता की भावना समाप्त हो और पूर्वजों द्वारा जगाई गई स्वाधीनता की ज्योत जगमगा उठे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एक पंक्ति में व्यक्त करता हूँ। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी मत छोड़ना। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, अध्यक्ष निवल समुदाय कल्याण संघ, सभी साथियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज वैसे तो हमारी संस्था काफ़ी पुराने समय से काम कर रही है, मेरे पिताजी के टाइम से 1969 से काम कर रही है, मगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के समक्ष जब से संबंध हुए हैं तब से इस संस्था में एक नई ऊर्जा आई है, नई जानकारियाँ मिली है। वैसे तो हम बहुत पहले भी हमने सरकार के जो अनुदान प्राप्त करके बहुत काम करे हैं, जैसे आप सब लोगों ने मिड डे मील स्कीम सुनी होगी, मैंने मिड डे मील में जेवर में काम करा, जेवर में 8,000 बच्चों को खाना दिया, बुलंदशहर के लखावटी ब्लॉक में, अर्निया ब्लॉक में 16,000 बच्चों को खाना दिया, बागपत के खेकड़ा ब्लॉक में हमने भी 5,000 बच्चों को प्रतिदिन खाने का काम लगभग 5 साल करा, साथ ही मदनपुर खादर में हमने आंगनवाड़ी के में बच्चों को करीब 5,000 बच्चों को प्रतिदिन खाने का काम करा, जो कि 10 साल तक कार्य करा। इसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के कई प्रोग्राम
जिसमें क्राफ्ट सेंटर, हमने 3 क्राफ्ट सेंटर चलाए और 1 टाइपिंग शॉर्ट एंड सेंटर चलाया। हम लोगों के पास एक बहुत हमने काम करा, मगर एक वो था कि एक टीम वर्क नहीं था, हम केवल अपने ही काम करते रहे। मगर जैसे आज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जब से हम जुड़े, आदरणीय हमारे भाई जी एस के यादव जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जो रहे शुभम द्विवेदी जी, श्वेता मैडम के नेतृत्व में जो हमने काम सीखा, जो एक उनका मार्गदर्शन मिला, उसका कोई जवाब नहीं। इन्होंने अपनी लगन से हमें बताया कि भाई काम तो कर रहे हैं, काम तो सारी एनजीओस कर रही हैं। इन्होंने तो ऐसे आज के दौर में सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी जो इन्होंने करी, जो इन्होंने डिजिटल के लोगों के लिए सरकार के, हम अपनी एनजीओ को डिजिटलाइजेशन की तरफ अग्रसर करें, जिससे आज के माहौल में हम अपनी एनजीओस, जिसका कि आज बहुत बड़ा महत्व है, वो समाज में एक नई जागृति पैदा करे, लोगों को दे। क्योंकि सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं, सरकार के जो लोग हैं, वो दूर सुदूर क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में नहीं जाते, वहाँ केवल एनजीओस जाती हैं, वहाँ केवल एनजीओस काम करती हैं। उन एनजीओस को कई तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। हम महानगर में बैठे हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मगर अभी जो हमारे एस के यादव जी महासंघ से इन्होंने जो नया काम शुरू करा, बहुत अच्छा ये करा कि यूट्यूब पे आजकल ये वो बना के दे रहे हैं, यूट्यूब पे जैसे ही ये काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे आप सुने, उन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुरेंद्र पारा सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वशक्ति मित्र मंडल फाउंडेशन, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हम सबको संविधान के नियमों का आदर सहित पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं एनजीओ महासंघ के सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्री यादव जी के स्वभाव को, जो कि विशेष सराहनीय है और सभी संस्थाओं के लिए सहज उपलब्ध रहता है, हमारी संस्था सर्वशक्ति मित्र मंडल फाउंडेशन के दर्पण रजिस्ट्रेशन में अपडेट में कोई कमियां थी, जिसको पूर्ण कराने में श्री यादव जी ने बहुत अधिक सहायता की और वो पूर्ण कराया। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। एक बार पुनः समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं राजकुमार गुप्ता, सचिव न्यू सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। एनजीओ महासंघ के समस्त संस्थाओं के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी ओर से तथा अपनी संस्था के सभी सदस्यों एवं राष्ट्रीय महासंघ की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी संस्था न्यू सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी, जिला बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, इन क्षेत्रों में शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अंडर प्रिविलेज्ड, वंचित लोगों की सेवा करती है। पहले हम 7 लोग सोसाइटी को बिना रजिस्टर्ड करे ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते थे। निर्धन गरीब छात्रों को पढ़ाना, शिक्षण सामग्री प्रदान करवाना, इन कार्यों में लगे रहते थे। पिछले वर्ष 19 फरवरी को 2021 में हमने 7 लोगों ने मिलकर सोसाइटी को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड कराया,
तो इस लिहाज से अभी हमारी सोसाइटी नई है। कुछ समय पहले, करीब 6-7 महीने पहले, सोशल मीडिया के थ्रू राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने का अवसर प्रदान हुआ। राष्ट्रीय महासंघ एनजीओ से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली, जिनका उपयोग करके हमने अपने सामाजिक कार्यों में एक गति प्रदान मिली हुई। मैं राष्ट्रीय महासंघ एनजीओ का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, खासकर एसके यादव जी का। अभी पिछले कुछ दिन पहले यादव जी के सहयोग से, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सहयोग से ई अनुदान में फ्री रजिस्ट्रेशन हुआ। नीति आयोग में भी मेरे से कुछ गलतियां हो गई थी तो उन्होंने उसको सुधार किया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सलीम पटेकरी, लोक सेवा सोशल फाउंडेशन पूना का फाउंडर डायरेक्टर हूं। पिछले 2 साल से राष्ट्रीय महासेवा संघ से मुझे बहुत ही जरूरी मालूमात मिली है। इससे मुझे और मेरी संस्था को बहुत सा फायदा है पहुंचा है और आगे मिलता रहेगा। हमारी संस्था महाना गरीबों को राशन और मेडिसिन बैंक चलाती है, जिससे महाना गरीबों को मेडिसिन मिलता है और इससे हमारी एक एम्बुलेंस भी चलती है। 73वीं रिपब्लिक डे पर हमने हमारी वार्ड में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया है। इस अवसर पर सभी राष्ट्रीय महासंघ के कार्यकारिणी और सदस्यों को मेरी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनक। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी की वजह से किसी भी प्रकार के फिजिकल आयोजन पर रोक लगी हुई है, इसलिए आज का ये हमारा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम वर्चुअली रूप से मनाया जा रहा है और इस थीम का हमने नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ विगत 3 वर्षों से सामाजिक संस्थाओं की सहायता में सभी रूपों से तत्पर है, अग्रसर है और पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने हर संभव प्रयास के माध्यम से सभी संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको एक्टिव रखने के लिए प्रेरित किया। डॉक्यूमेंटेशंस और अन्य सहायताएं भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जहां तक संभव कर सकता था वहां तक संस्थाओं को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में आज का कार्यक्रम वर्चुअल रूप से जिसे आयोजित किया गया है, उसमें आप जानते हैं कि हमारी संबद्ध सामाजिक संस्थाओं का देश भर के नागरिकों के लिए क्या संदेश है। मैं मदन यादव, संस्थापक विसी जन कल्याण फाउंडेशन के तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण को भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जनक सुनील कुमार जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सही दिशा में सही गति से सही कार्य कर रही है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अथक प्रयास से हजारों एनजीओ एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और समय समय पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मार्गदर्शन से लाभान्वित हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। Today is the 73rd Republic Day of India. गणतंत्र गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा है। भारतीय इतिहास के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद, अथर्ववेद और पौराणिक वेदों में भी गणतंत्र का वर्णन है। हर भारतीय के रगों में सदियों से चली आ रही एक परंपरा है। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना ये गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे हैं और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है। मैं मिसेस अनुपमा दत्त चौधरी असम के मानव कल्याण एनजीओ की तरफ से माधव जनकल्याण संघ को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ। सभी अधिकारों का रक्षक अपना ये गणतंत्र है। गणतंत्र को लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रजा का राज्य या प्रजा का शासन। जिस दिन से संविधान लागू हुआ था उसी दिन का महत्व को समझते हुए ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। सन 1950 26 जनवरी का संविधान लागू हुआ था और तभी से ये दिन को ही गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। मानव कल्याण संस्था एक ऐसी संस्था है जो लगभग 100 से ज़्यादा सरकारी प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है। ये एक असम नॉर्थ ईस्ट के असम के कछार जिले में है मानव कल्याण संस्था, जो हमेशा दूसरों के और लोगों के सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं। मैं मानव कल्याण की ओर से माधव जनकल्याण राष्ट्रीय संघ को हार्दिक आभारी हूँ कि वो हमेशा हम जैसे एनजीओ के लिए हाथ बढ़ाते हैं। माधव जनकल्याण एक ऐसी संस्था है जो हमेशा छोटे छोटे एनजीओ के लिए काम करते हैं, छोटे छोटे एनजीओ को सिखाते हैं कि कैसे कैसे काम किया जा सकता है, कैसे सोशल वर्क किया जाता है। इसलिए हम सब छोटा छोटा जो एनजीओ है माधव जनकल्याण संघ के बहुत आभारी है। आखिर में मैं मानव कल्याण की ओर से माधव जनकल्याण संघ को हार्दिक अभिनंदन प्रजातंत्र दिवस के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है। मैं यूपी आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, ग्रामवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ
एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा एनजीओ है जिनके माध्यम से तमाम एनजीओ को एक सही मार्गदर्शन मिल रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का आभार व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम जी, मैं राजेश लठवाल, संस्थापक अध्यक्ष सज्जन सेवा संघ और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का गोहाना अध्यक्ष, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव अब गणतंत्र दिवस की इस शुभ वेला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यह देश के शहीदों को सलाम है सभी सभ्य नागरिकों की ओर से, और वे शहीद जो हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूमे, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन्हीं के बलिदान के बदले आज हम और आप मिलकर सेवा कर पा रहे हैं अपने समाज की, अपने आसपास की जरूरतमंदों की, और इसमें अहम कड़ी बनी है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ। जी हाँ, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़कर सभी संस्थाएं जो अपने उद्देश्य को लेकर एक लक्ष्य को निर्धारित करके चली हैं, उसमें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक अभिन्न रोल अदा कर रहा है, और यह जो है समय समय पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जागरूक करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, और इसके संस्थापक श्री एस के यादव जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वे समय समय पर हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे बढ़ने के लिए, समाज में सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज़ादी के इस महोत्सव गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हमारी संस्था सज्जन सेवा संघ और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड की ओर से कोटि कोटि शुभकामनाएं। शहीद जिन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था, और उन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी का ये जश्न मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो एक बार फिर सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, नमस्ते। मैं जय कुमार, सदस्य सोशल वेलफेयर सोसाइटी आगरा। मेरे समस्त देशवासियों, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव की तहे दिल से बधाई देता हूं। मेरी संस्था सन 2018 से उत्तर प्रदेश में गरीबों और पिछड़ों के उत्थान, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा भारत एवं प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर हमारे देश के नागरिकों की बरसों से सेवा का कार्य कर रही है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एवं एनजीओ गुरु श्री एस के यादव जी से संबंध होने तथा उनके द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों में भाग लेने तथा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ द्वारा दिए जाने वाले परामर्श की वजह से मेरी संस्था को एक सटीक दिशा में एवं सेवा कार्य में विशेष गति प्राप्त हुई है। मेरी संस्था एनजीओ महासंघ को इस कार्य हेतु धन्यवाद देती है तथा एनजीओ महासंघ से संबंध होकर गौरवान्वित महसूस करती है। इस गणतंत्र दिवस पर संविधान निर्माता को याद करते हुए सभी देशवासियों से अपील करती है कि देश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश दिवाकर, प्रेमी सोशल वेलफेयर सोसाइटी से। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेरी एनजीओ की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एनजीओ महासंघ का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिसके लिए उन्होंने मेरी एनजीओ को अभी तक जोड़ रखा है। चूंकि मेरी एनजीओ पिछले 2 वर्षों से एनजीओ महासंघ से जुड़ी हुई है, और चूंकि किसी भी एनजीओ को काम करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, एक राइट वे की जरूरत होती है जो समय समय पर हमें
एनजीओ महासंघ से मिलता रहता है, इसके लिए मैं एनजीओ महासंघ का धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों चूंकि किसी भी एनजीओ, चूंकि हम एक एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं, एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें भारत निर्माण में एक देश के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए, जिसके लिए मैं कामना करता हूँ कि सभी एनजीओ महासंघ से जुड़कर देश के निर्माण में भूमिका निभाएंगी। चूंकि एक बार फिर से मैं सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनक। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी की वजह से किसी भी प्रकार के फिजिकल आयोजन पर रोक लगी हुई है, इसलिए आज का ये हमारा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम वर्चुअली रूप से मनाया जा रहा है और इस थीम का हमने नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ विगत 3 वर्षों से सामाजिक संस्थाओं की सहायता में सभी रूपों से तत्पर है, अग्रसर है, और पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने हर संभव प्रयास के माध्यम से सभी संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको एक्टिव रखने के लिए प्रेरित किया। डॉक्यूमेंटेशंस और अन्य सहायताएं भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जहां तक संभव कर सकता था वहां तक संस्थाओं को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम वर्चुअल रूप से जिसे आयोजित किया गया है, उसमें आप जानते हैं कि हमारी संबद्ध सामाजिक संस्थाओं का देश भर के नागरिकों के लिए क्या संदेश है। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। मैं इकबाल अहमद खां, अध्यक्ष ग्लोबल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट भोजीपुरा बरेली, आपसे मुखातिब होने के लिए मौका मिला और ये एक अच्छा अवसर है। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर जो प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम सब एकत्र होते हैं, जिसके जरिए से हम अपनी बात रख पाते हैं का मौका मिलता है और एक दूसरे की बात सब तक पहुँचती है। तो इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जो भी कार्य करें वो मन से करें, सिर्फ वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। मेयर स्पीच हैज़ टू डू नथिंग विद इट। अगर हम दिल में कुछ नहीं रखते, अपने देश के प्रति दिल में लगाव नहीं रखते, तो निश्चित तौर पर हमारा ये दिखावा किसी काम का नहीं। और हमें अब ज़रूरत है जो हमारी नई जनरेशन है उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करने की। सेंस ऑफ बिलोंगिंग मीन्स लव टूवर्ड्स आर नेशन। हम कुछ भी कार्य करें, वट एवर वी आर डूइंग, लेट इट बी। कोई काम छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। सपोज करो मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ, मैं अपनी एनजीओ चला रहा हूँ, और इस शिक्षा के क्षेत्र में यदि जो भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको निष्पक्ष भाव से सबको बराबर समझूं और अच्छी शिक्षा उनको प्रदान कराऊं, उसे कराने में सफल होता हूं बीइंग मैनेजर, तो मैं अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी का निर्वाह बखूबी कर रहा हूं। आज जरूरत सिर्फ इसी बात की है, हमें जहां भी हम हैं, अगर मैं एक स्वीपर हूं तो एटलीस्ट आई हैव टू डू माई वर्क परफेक्टली, वट एवर आई एम, जो भी मैं कर रहा हूं अगर उसे अच्छा से कर रहा हूं तो मैं देश के प्रति अपना कार्य अच्छा कर रहा हूं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है आप सभी से कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ऐसे अवसर प्रदान करते हैं हमारे जो एनजीओ गुरु हैं,
यादव सर, वाकई उनका जो विवेक है इस मामले में कि कैसे सबको इंट्रैक्शन कराया जाए। इंट्रैक्शन मीन्स सपोज मैं अपनी बात आप तक रख रहा हूँ, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, तो हम एक दूसरे के विचारों से भी अवगत होते हैं और कुछ ना कुछ वी हैव टू ड्राइव इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, हमें प्रेरणा मिलती है और वो निश्चित तौर पर बहुत ही काम की होती है। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष तौर पर जो यादव सर ने जो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराया, आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस तरह के अवसर प्रदान करते रहेंगे। और एक बार अंत में मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि हम हमारा देश और सुदृढ़ बने और आने वाले टाइम में जो भी हमको लीड करे वो देश के प्रति। हमारे प्यारे देशवासियों, शुभचिंतकों एवं मित्रों, साथियों, आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां शुभकामनाएं। मित्रों, मैं डॉक्टर शेर बहादुर, संस्थापक सचिव सागर सोसाइटी जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश से आप सबको ये संदेश देना चाहता हूं साथियों कि हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि भारत में एक ऐसा सुंदर सा संविधान जो हमें शिक्षा, स्वतंत्रता, संप्रभुता, जीवन जीने का अधिकार, समानता जैसे अधिकारों को देता चाहता हूँ। भारत का ऐसा संविधान है जिसकी बदौलत आज हम घूम फिर सकते हैं, टहल सकते हैं और बोल सकते हैं साथियों। यही नहीं, भारत का एक ऐसा संविधान है मित्रों जिसकी बदौलत हम प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक का अवसर प्राप्त करते हैं। इसलिए मित्रों, आइए आज 26 जनवरी के पावन गणतंत्र दिवस पर हम सब एक साथ शपथ लें कि हम भारत देश के बहुत इस मजबूत संविधान को न तो नष्ट होने देंगे और न ही खोने देंगे और हम सब इसकी अपने प्राणों की आहुति देकर के भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे। और यही नहीं साथियों, हम भारतीय संविधान में निहित तमाम उसके जितने भी अधिकार हैं उसका अक्षर से पालन करेंगे एवं लोगों से भी पालन कराने का काम करेंगे साथियों। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत संविधान निर्माता की जय। मैं मदन लाल चौधरी, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, मैं राजस्थान प्रदेश सह प्रवक्ता पद पर नियुक्त हूँ और बलिदान सेना में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को से हम नित रोज मनाते आ रहे हैं। 15 अगस्त हम देश की आज़ादी के उत्सव के रूप में मनाते हैं और गणतंत्र दिवस हमारे संविधान लागू हुआ था उस दिन के रूप से हमें मनाते हैं। हमें आज़ादी और देश के वीरों की ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई थी और कई वीरों ने अपने सर्वस्व बलिदान, प्राणों की आहुति देकर बलिदान दिया था जिसकी बदौलत ही हमें आज़ादी मिली थी। और हम हर वर्ष उस दिन को याद करते हुए उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में अनेकों कई धर्म, कई जातियों, कई संप्रदाय, कई भावनाओं सब साथ एक साथ मिलकर हम ध्वजारोहण करते हैं और अलग अलग उत्सव के रूप में पूरा देश भर में, पूरे भारतवर्ष में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और अंत में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ और बलिदान सेना फाउंडेशन की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं रोहन किशोर, संस्थापक सह सचिव शर्विरोध मेमोरियल एजुकेशनल एवं ग्राम विकास समिति बिहार से हूं। सबसे पहले मैं अपने समस्त देशवासियों को
अपनी संस्था की ओर से और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हमारे राष्ट्र के हर एक नागरिक के प्रति हमारी संस्था कृत संकल्प रहेगी और आप सभी नागरिक भी अपने देश के लिए कृत संकल्प रहेंगे, अपने कर्तव्यों का दायित्व का निर्वाहन करेंगे ताकि हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमेशा बनी रहे। इसकी मजबूत नींव हम सभी लोगों से है, तो मैं इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने धरोहर को हमेशा अपने साथ रखें, अपने मॉडर्निटी के साथ कभी भी अपने कल्चर ट्रेडिशंस को न छोड़ें। अगर मॉडर्निटी आज की ज़रूरत है तो हमारी कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे मैनर्स वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि इस गणतंत्र दिवस पर हम ये प्रण करें, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हम ये प्रण करें कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को कभी नहीं छोड़ेंगे, अपने आधुनिकता को भी जरूर हम चलेंगे क्योंकि जमाने का नीड है, लेकिन हम उसके साथ साथ अपनी परंपरा को भी फॉलो करते रहेंगे। मैं बता दूं कि हमारी संस्था पिछले 10-11 वर्षों से कार्य कर रही है सामाजिक क्षेत्र में और काफ़ी कार्य किया हम लोगों ने, छोटे छोटे प्रयास किए, काफ़ी सारे कार्य किए, लेकिन जब से हमारी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हुई है तब से हमारा वो कार्य एक नियमित तरीके से चल रहा है, एक नियमित पैटर्न पे चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। पहले बस काम हो रहा था, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो कोई मार्गदर्शन नहीं था, और अगर कहीं मार्गदर्शन मिलता भी था तो उसके एवज में मोटी रकम या फिर फ्रॉड, ये दो ही चीज़ हमारे साथ होती थी और हुआ, अभाव में हम लोग इधर उधर हाथ पर मारते थे लेकिन कुछ नज़र नहीं आता था। लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जनक के संस्थापक श्री एस के यादव सर जी निस्वार्थ भावना से हम देश के सभी संस्थाओं के लिए जो उनसे संबंध है ना, उनके लिए हमेशा संकल्पित रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, डिवोटेड रहते हैं और बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी एक मोटी रकम की डिमांड के वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी संस्था की ओर से, मेरे खुद की ओर से, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पूरी कोर टीम को, इसके जनक को जिन्होंने देश के एनजीओ के लिए एक संजीवनी का काम किया है और कई फ्रॉड कंसल्टेंसी को, कई फ्रॉड जो लोग हैं जो कि एनजीओ के नाम पर लोगों को ठगते थे नए एनजीओ को, उनसे बचाने का काम किया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का और सभी लोग से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द इस महासंघ के साथ जुड़े, इसको और मजबूती प्रदान करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं डॉक्टर शिवलाल सिंह, महानिदेशक अर्पित ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान घाटमपुर कानपुर, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा प्यारा देश विकास की राह में अपेक्षित गति से बढ़ रहा है, इसकी गति में आप सभी का बराबर का सहयोग रहा है, आगे भी विकास के पथ पर चौगुनी गति से सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। प्यारे देशवासियों, देश के विकास में शुरू से ही स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान रहा है, जहां सरकार कार्य नहीं कर पाई वहां संस्थाओं ने अपने सीमित संसाधनों से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। देश में जमीनी स्तर पर कार्य कर रही संस्थाओं में काफ़ी हद तक धन एवं तात्कालिक जानकारी का संकट रहता है, जिसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपने बैनर में जोड़कर समुचित जानकारी आदि मुहैया करा रहा है। देश में हर प्रकार के लोग रहते हैं जिनकी विचारधारा, धर्म, मजहब, भाषा आदि भिन्न भिन्न हैं, मगर देश के उत्थान में लगी संस्थाओं को अपना तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं।
मैं मदन यादव, संस्थापक बीसी जन कल्याण फाउंडेशन के तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सभी सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जनक श्री सुनील कुमार जी को भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सही दिशा में, सही गति से सही कार्य कर रही है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अथक प्रयास से ही देश के सभी एनजीओ सही दिशा में आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं और जन कल्याण कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनक। आप सभी लोगों को सर्वप्रथम मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी की वजह से किसी भी प्रकार के फिजिकल आयोजन पर रोक लगी हुई है, इसलिए आज का ये हमारा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम वर्चुअली रूप से मनाया जा रहा है और इस थीम का हमने नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ विगत 3 वर्षों से सामाजिक संस्थाओं की सहायता में सभी रूपों से तत्पर है, अग्रसर है, और पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने हर संभव प्रयास के माध्यम से सभी संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको एक्टिव रखने के लिए प्रेरित किया। डॉक्यूमेंटेशंस और अन्य सहायताएं भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जहां तक संभव कर सकता था वहां तक संस्थाओं को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। आज के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम वर्चुअल रूप से जिसे आयोजित किया गया है, उसमें आप जानते हैं कि हमारी संबद्ध सामाजिक संस्थाओं का देश भर के नागरिकों के लिए क्या संदेश है। परम सम्मान्य नागरिकगण एवं मित्रगण, वंदे मातरम। खुशहाली सेवा संस्थान खरगोन की अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की राष्ट्रीय प्रवक्ता मैं डॉक्टर श्वेता चौधरी आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक संदेश देना चाहती हूं कि हम सब की महत्वाकांक्षा है कि एक नव निर्मित राष्ट्र का निर्माण हो, लेकिन उसमें आप सबसे एक अनुरोध ये भी है कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, हमें छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि
राष्ट्र का निर्माण करने में राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है, अपितु मेरी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम नवनिर्मित राष्ट्र का निर्माण करें। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहूँगी कि राष्ट्र निर्माण के लिए ज़रूरी है कि जो भी कमियाँ हैं उसमें और जहाँ पर भी हमको लग रहा है कि उसे किस तरह से मजबूत बनाया जा सकता है, तो वो सारे प्रयास हमें करने होंगे। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जितने भी समाज सेवी हैं और अनेकों संस्थाएं हैं इससे जुड़ी हुई हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ भी एक मिसाल है और उदाहरण है हमारे राष्ट्र निर्माण का, क्योंकि महासंघ द्वारा काफ़ी संस्थाओं को जोड़ा गया है और उनको बहुत सारे अनगिनत लाभ मिल रहे हैं। तो इस मिसाल के साथ साथ मैं एक संदेश आप सभी को दो लाइनों में प्रेषित करती हूँ। मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, तो देश सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, फहराना हमेशा इसको ऊंचा जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। इसी संदेश के साथ और शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार मिश्रा है और मैं विंध्य भारती संस्थान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। साथियों, सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पूरे देश में की संस्थाओं को लेकर चलने का एक मंच है, एक बड़ा नेटवर्क है। देश भर की संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं और पहली बार ये देखने को मिला है कि एक संस्था, एक संगठन जो संस्थाओं के हित में कार्य कर रहा है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, इस महायज्ञ में समर्पित भाव से जो काम कर रहे हैं, वो उसका श्रेय जाता है एस के यादव जी को, जिन्होंने सुदूरवर्ती राज्यों में भी अपने संगठन की इकाई को खड़ा किया है और उन तक अपनी सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो एनजीओ महासंघ का जो संगठन है वह एक सशक्त मजबूत कड़ी बनकर उभरा है। बाकी की संस्थाओं और संगठनों की अपेक्षा एनजीओ महासंघ में बहुत सारी जो जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, नई नवीन विज्ञापन उनको बताए जा रहे हैं, एनजीओ के बारे में जो उनकी प्रोग्रेसिव, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, कैसे उनको विभिन्न तरह के रजिस्ट्रेशन करने हैं, इस बारे में भी उनको सही जानकारी दी जा रही है। तो मैं देश भर की संस्थाओं से ये अनुरोध करूँगा कि वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्यता ग्रहण करें और राष्ट्रीय, अगर वो संस्था की गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, अगर वो संस्था के लिए कुछ करना चाहते हैं और देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके लिए एक मंच है जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपके सपनों को पूरा करना। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर समाज की स्थापना करना चाहते हैं, अपने समाज में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एक यह इससे बेहतर कोई दूसरा मंच नहीं है जहां आपको निःशुल्क विभिन्न तरह की सलाह और मशवरे दिए जा रहे हैं जिनका लाभ सभी संस्थाओं को निरंतर मिलता जा रहा है। आने वाले समय में संस्थाओं के इस बड़े नेटवर्क को और बड़ा बनाना है, देश भर के उन स्थानों पे जहां पर भी अभी छोटी संस्थाओं को एनजीओ नेटवर्क, एनजीओ महासंघ से भी जोड़ा नहीं जा सका है, उन तक भी जाने की इस योजना है, उन सबको भी साथ में लेके चलने की योजना है, ताकि हम एक आज के दिन एक संकल्प लेंगे कि ये जो टारगेट है 26 जनवरी से आने वाले 26 जनवरी तक, यानी एक साल तक हम देश, नीति आयोग आदि जैसे संस्थानों से रजिस्टर्ड है। संस्था जनहित के लिए कार्य कर रही है। प्राणी सेवा संगम संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से करीब एक वर्षों से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा
दी जाने वाली विभिन्न जानकारियां संस्था जगत के लिए बहुत ही लाभकारी एवं उपयोगी हैं। इसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सभी सदस्यों को हमारे एवं हमारे संस्था के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं देशवासियों से आग्रह करूँगा कि प्राणी सेवा संगम संस्था को डोनेशन की आशा करती है और संस्था आपसे लिए गए डोनेशन की राशि जनहित में खर्च करेगी, इसकी भी शपथ लेती है। सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एकरण वेलफेयर सोसाइटी अमरोहा से उपप्रबंधक डॉक्टर मनीष टंडन आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिसके माध्यम से आज जितने भी एनजीओ हैं उनको कहीं ना कहीं जो एक धारा से जोड़ने का काम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कर रहा है उसकी कहीं भी शब्दों में व्याख्या नहीं करी जा सकती। जहां तक हमारे सोसाइटी के लोग इस संघ से जुड़े हैं तब से उनमें बहुत सारी ऐसी जानकारियों हम लोगों को पता लग पा रही है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा, तो शायद हमारे लिए इसकी कल्पना करना भी मुमकिन नहीं था। और मैं सभी सम्मानित साथियों सभी भारतवर्ष को अपने एनजीओ परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ के साथ मैं इस संदेश के साथ एक चीज ये भी जोड़ना चाहता हूं कि आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत का एक सपना देखा जा रहा है। और अगर हम बीते कुछ वर्षों की बात करें तो इन वर्षों के दौरान भारतवर्ष ऐसे अभूतपूर्व क्षेत्रों के अंदर अपना आत्मनिर्भर का उसने अपना जो ये बात कर रहे हैं उसको पूरा करा है। जैसे मैं के रक्षा के क्षेत्र में बात करूं, इसके अंदर भारत आज आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहा है। और कोई भी सरकार जब किसी भी राष्ट्र के आत्मनिर्भर का सपना देखती है तो उसमें उस सरकार के साथ साथ हमारे जैसे स्वयंसेवी संगठन और एनजीओ जो बने हुए हैं उनकी भी सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि अगर हम भारत देश के विषय में बात करें तो भारत देश के लगभग 70-80% लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो आज भी कहीं ना कहीं मौसमी बेरोजगारी या बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा तो सर्वप्रथम हमें ऐसे नागरिकों को जो हमारे देश के अंतिम छोर तक अंतिम नागरिक है उसको अपनी धुरी से जोड़ना होगा। और उसमें कहीं ना कहीं हमारे जैसे एनजीओ या हमारे जैसे जो सामाजिक स्वयंसेवी संगठन है उनकी भूमिका और महत्ता बढ़ जाती है। तो मैं इसी संदेश के साथ कि हमें भी अगर कोई मैं अध्यक्ष रजनी उमंग समाज सेवी संस्था ग्वालियर मध्य प्रदेश मेरे प्यारे समाज सेवी एवं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पदाधिकारी और मेरे प्यारे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस समय अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस हम गणतंत्र दिवस को बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन 1950 में संविधान भारत का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। हम सभी को अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। गणतंत्र दिवस हमें लोकतंत्र होने पर गर्व है और मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। जय हिंद जय भारत।
बीडीए फाउंडेशन अध्यक्ष मेरठ व राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश से अंजू पांडे का आप सबको नमस्कार। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम सभी इस देश के नागरिक हैं और इस दिन अपने देश को सलामी देते हैं। हम सब आजाद हैं तो हम सभी की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने राष्ट्र को संपन्न बनाने में योगदान दें, उसकी जिद करें, कुछ ऐसी जिद करें कि हम राष्ट्र को संपन्न बनाएं। राष्ट्र को सुखद संपन्न बनाने में हम सभी देशवासियों की भूमिका रहती है। मैं महिला होने के नाते महिलाओं की ही बात करूंगी कि एक महिला जो देश की आधी आबादी है, यदि वो चाहे तो इस देश को संपन्न बना सकती है, क्योंकि जब वो एक परिवार चला सकती है, हर क्षेत्र में आगे आ सकती है, साथ चल सकती है, पुरुषों को बराबर अपने कार्य में, अपने कार्यों से पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती है, तो वो इस राष्ट्र को बनाने में भी कुछ मदद कर सकती है। यदि वे हर माँ अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे कि उसे मानवता का पाठ पढ़ाए, एक दूसरे को सम्मान करना सिखाए, तो परिवार संपन्न होगा, समाज और परिवार से ही देश खुशहाल होता है। तो हमें चाहिए कि हम खुद को बदलें और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहां सब खुशहाल रहें। मैं समाज सेवी होने के नाते मैं कहना चाहती हूं कि मैं एक ऐसे एनजीओ महासंघ से जुड़ी हूं जो सभी एनजीओ के, राष्ट्र के सभी एनजीओ को साथ लेकर कार्य करता है, उनको समय समय पर सहयोग देता है ताकि हम समाज को अपने कार्यों से एक ऐसा रूप दें कि हर क्षेत्र में हम अच्छे कार्य कर सके। मैं एनजीओ महासंघ की आभारी हूं कि मैं उनके साथ जुड़कर कार्य कर रही हूं और उनसे समय समय पर अच्छी जानकारी भी ले रही हूं। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं। से गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई प्रेषित करता हूं। साथियों, 75वें जो गणतंत्र दिवस है, जिसको 75वां महोत्सव के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में देश मनाने जा रहा है, उसके पूर्व संध्या से पहले मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि वर्तमान में जो हमारे देश के ऊपर कोरोना महामारी लगभग 2-2.5 साल से अपना प्रकोप जमा रही है, इसके साथ ही और बहुत सारे जितने भी वायरस वगैरह का प्रकोप हमारे देश पर हो रहा है, उन सभी से हमें डरना नहीं है, डट करके लड़ना है और इस महामारी को अपने देश से सबसे पहले तो भगाना है। और इसके लिए मैं सभी से एक ही विनम्र निवेदन एवं आशा करूँगा कि आप जो कोरोना से बचाव के लिए अधिक से अधिक जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, जो अच्छी अच्छी बातें गवर्नमेंट एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताई जा रही हैं, आप लोग उनका बड़े कठोरता से या अपने आप को नियम के बद्ध करके उनका पालन करें। जैसे कि आप मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो अपने आपका जो मास्क है उसका यूज करें, 2 गज की दूरी बना के रखें और साथ ही आप जहाँ भी जाएं
तो सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ रखें और उनको भी इसके बारे में बताएं। तो मैं अपना जो एक ग्रामीण स्तर पर एनजीओ या एक संस्था के माध्यम से समाज कल्याण के कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, उनमें आपसे मैं यही संदेश या यही अपनी जो बात है कहना चाहूँगा कि पहले हमको खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम और लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हमको कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक दिव्यांग हूँ, तब भी मैं शिक्षा से संबंधित समाज में बहुत सारे कार्य करता रहता हूँ। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, लश्कर कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। साथियों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिल की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद पे जगा के चल। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो आपने सुना कि हमारी संबद्ध संस्थाओं का आप सभी देशवासियों के प्रति गणतंत्र दिवस के जो शुभकामना संदेश थे उनको आप सभी ने हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ते हुए सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और मैं अपने शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगा। स्टे सेफ, जय हिंद।